हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको अंडे और ब्रेड से बने बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब से बिल्कुल नए तरह के नाश्ते की रेसिपी देने जा रही हूँ। बिल्कुल नए तरह का आसान सा नाश्ता है, इसके आगे पिज़्ज़ा बर्गर सभी फेल है। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड के 6 स्लाइसेस ले लिए हैं। आप यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सभी ब्रेड के पीसेस को गोलाई में कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ढक्कन का इस्तेमाल किया है इसे कट करने के लिए। आप किसी भी गोल कटोरी या फिर किसी ग्लास या फिर कुकी कटर का भी इस्तेमाल करते हुए इसे कट कर सकते हैं। तो सभी ब्रेड के पीसेस को हम इसी तरह से गोलाई में कट कर लेंगे। तो देखिए, बहुत आसानी से ये कट हो जाते हैं इस तरह से। तो सभी को इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो देखिए, सभी ब्रेड के पीसेस को मैंने कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए अंडे ले लिए हैं। सबसे पहले इन अंडों को हम ग्रेट कर लेंगे। तो एक ग्रेटर की हेल्प से मैं इन अंडों को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। अंडों को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक अप्पे पैन। हम ये नाश्ता अप्पे पैन में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अप्पे पैन को ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो ऑयल से, घी से या फिर बटर से इसे ग्रीस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बटर से इसे ग्रीस कर रही हूँ। तो जितना भी नाश्ता आपको बनाना है उतने ही जो सांचे हैं उन्हें ग्रीस कर लेंगे। अप्पे पैन को ग्रीस करने के बाद जो ब्रेड के पीसेस हमने कट करके रखे हैं गोलाकार में, उन्हें इन सांचों में फिट कर देंगे इस तरह से। अगर आप बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी से वो सांचों में फिट आ जाएंगे, नहीं तो वो निकल जाएंगे बार बार से। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल किया है, अच्छे से फिट कर लूँगी इन्हें। अप्पे पैन के सांचों में ब्रेड को अच्छे से फिट करने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे ग्रेट किए हुए अंडे जिसे हमने ग्रेट करके रखा हुआ था। एक एक बड़ा चम्मच भर के ग्रेट किए हुए अंडे इसमें डाल देंगे, अच्छे से दबा देंगे। अंडों में हमने कुछ भी नहीं ऐड किया था, तो इसीलिए फ्लेवर के लिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही फिर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ चीज़ लिया है। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। तो ये ग्रेट किए हुए चीज़ को हम ऊपर से इस तरह से डाल देंगे इसके ऊपर। तो एक एक चम्मच डाल देंगे चीज़ सभी के ऊपर से। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप जब इसे ट्राई करेंगे तो पिज़्ज़ा बर्गर सभी भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आप चाहे तो इसे मिनी अंडे वाला पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। वैसे मैंने अभी तक इसको कोई नाम नहीं दिया है। आप चाहे तो कमेंट में सजेस्ट करें मुझे कोई नाम इसके लिए। सभी में चीज़ डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसे बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बनाया है। आप चाहे तो ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स भी ऊपर से डाल सकते हैं, बिल्कुल पिज़्ज़े के जैसा लुक आएगा। अब मैं इसके ऊपर से रख दूँगी एक एक ब्लैक ऑलिव्स, जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। अगर आपके पास है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये सिर्फ इसे सजाने के लिए है। आप इसे धनिया की पत्तियों से भी सजा सकते हैं, इसके टेस्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसे कुक करेंगे। तो मैंने इसे गैस पर रख दिया है। हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक के लिए, क्योंकि सभी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं तो सिर्फ चीज़ को मेल्ट होना है। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेंगे। आप देख सकते हैं चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और कुछ भी इसमें कोई सब्जियां हमने ऐड नहीं की थी जिसे हमें बहुत देर तक पकाना पड़े। तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। तो ये हो चुका है तैयार, इसे फटाफट से निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सा नाश्ता बनकर हो चुका है तैयार। इसके ऊपर की लेयर इस तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और गुई है। आप इस टेस्टी यम्मी नाश्ते को एज अ पार्टी स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। खासकर अगर बच्चों की पार्टी हो रही है तो बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाना पसंद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आज की ये टेस्टी यम्मी सी रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।